इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है आपका? कहाँ का लगता हूँ? दिल्ली। दिल्ली के? सही कमा है। कितने का घर? जामा मस्जिद। अच्छा अरे अच्छा ना, मुझे खा के अपनी अम्मी के हाथ के जायका याद आ गया। ये मुझे खा के अपनी खाला के हाथ के जायका याद आ गया। जायके जो है ना दिल्ली के जायके, सारे जो है दिल्ली वालों ने तो लोगों को खाना सिखा दिया। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद है नाजम फिरंगी पे और हमने यहाँ के दाल चावल की बहुत तारीफ सुनी थी, तो आज हम खाने के लिए आ गए हैं। इनसे बात करते हैं और खा के देखते हैं इनके दाल चावल कैसे हैं, आपको भी बताते हैं। आए हमारे साथ। अच्छा आपने नाम बताइए, तब तक मुझे तो पता है लेकिन लोगों को पता चल जाए। मेरा नाम अबू फैसल है। अबू फैसल, कब से आपके दाल चावल का सेटअप यहाँ? मेरा सेटअप यहाँ पर 2000 से। अच्छा माशाल्लाह। और कैसे स्टार्ट किया था आपने, क्या ख्याल आया था? ये असल में पहले की जिंदगी तो बाहर गुजरी सारी, जब यहाँ आए तो बहुत सारे और भी काम आए फिर, लेकिन ये जहन में कहा कि एक मोबाइल होटल बनाना चाहिए। मोबाइल होटल? हाँ, जो चलता 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 कहीं पर भी हो। तो हमने मोबाइल होटल बनाया, स्टार्ट हमने यहीं से किया था नागन से। फिर हम और मकामात पे भी चले गए, और भी किया करते रहे, लेकिन फिर लौट के फिर भी अब तकरीबन 5-6 साल से फिर मैं यहीं आ गया अपनी जगह। हाँ, इससे पहले लकी वन पे होता था। अच्छा। हेजी पे होता था। माशाल्लाह, कितनी उम्र है आपकी इस वक्त? 75 है। माशाल्लाह 75 है। मेहनत करो, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती भाई। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। शॉर्टकट रास्ता कुछ नहीं है, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। भाईदारी उसी में की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो और ऊपर तक मकाम तक जाओ। सुजुकी आप खुद ही ड्राइव करते हैं? खुद ड्राइव करते हैं। मैं, मेरे पास 50 साल पुराना लाइसेंस है। अच्छा। तो आप रिहायश कहाँ पर है वैसे? बहुत करीब है, समझ ले घर में बैठा हुआ। अच्छा। थर्ड गियर नहीं पड़ता, सेकंड गियर में आ जाता हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है आपका? कहाँ का लगता हूँ? दिल्ली। दिल्ली के? सही कमा है। बिल्कुल। अच्छा। कितने का घर? जामा मस्जिद। अच्छा, अरे वाह, देखो मेरा आइडिया बिल्कुल सही था मेरा। जायके जो है ना दिल्ली के जायके, सारे जो है दिल्ली के, दिल्ली वालों ने तो लोगों को खाना सिखा दिया। बिल्कुल। चलो जी, हम भी खा के देखते हैं दाल चावल हमारे लिए एक प्लेट बनाया। कबाब भी होते हैं आपके पास? शामी कबाब, घर के रहने वाले। अच्छा, जानते हो आप कबाब? बिल्कुल। तो टाइमिंग आपकी क्या है यहाँ पर? असल में सेल लाइन में आने का टाइम होता है तो जाने का नहीं होता है। जब चले जाते हैं वैसे अमूमन असर तक रहते हैं। सही सही। ये भाई भरपूर दाल चावल। अच्छा, रायता भी है इसके साथ? अचार खत्म हो गया। अचार भी होता है, शामी कबाब भी होते हैं, सब कुछ होता है। आप आई हैंड के ऊपर है तो वाह भाई वाह, दाल चावल। यार ये देखो कि हरी मिर्च भी है इसमें, और ये देखो कि हमारे पास कबाब भी होते हैं और रायता भी डला हुआ है इसमें। दाल अंकल, दाल कौन सी होती है ये? चने की दाल। चने की दाल है? रोटी भी चने की दाल है। अच्छा, वो भी बड़ा मुश्किल होती है घोट के दाल दाल। ये असल में यही समझते हैं कि सुबह 5 बजे तक चूल्हे पे चढ़ी हुई है, वो पक रही है। अच्छा माशाल्लाह भाई, आगे बताते हैं भाई दाल चावल कैसा है। घर जैसा जायका बिल्कुल। हाँ, घर के बने हुए बिल्कुल घर जैसा जायका। हम वही चीज खिलाते हैं जो बच्चे खाते हैं। तो नहीं बनाते, हमारे यहाँ का बना हुआ है, घर का बना हुआ है, एक चीज मिलेगी आपको। अच्छा, लोग देखो ना, मुझे खा के अपनी अम्मी के हाथ के जायका याद आ गया। ये मुझे खा के अपनी खाला के हाथ के जायका याद आ गया, क्योंकि हमारी खाला ऐसे दाल चावल बनाया करती थी जो जाके फरमाइश करके बनवाते थे उनसे। आप अगर टाइम चाहें तो इसमें कबाब भी खाएं, अचार भी खाएं, और गरम गरम होगा तो फिर आपको जायका देखें आप। अच्छा, जबरदस्त भाई, बेहतरीन जायका। थोड़ा सा यहाँ का एड्रेस बता दे कि यहाँ का एड्रेस तो बहुत ही आसान है। मैं नागन चुरंगी है, सिद्दीक अकबर मस्जिद,
सिद्दीकी के, और ये कराची में नहीं दुनिया में मशहूर है ये। अच्छा, मेरे सामने कुरैशी होटल है, लाहौरी होटल है। अच्छा, बैठा हूँ गाड़ी के। मैं नागन चुरंगी, मैं नागन चुरंगी। जायका बहुत ज्यादा, जायका बना हुआ है ना इसमें। हम कोई नंबर दो काम नहीं करते, जैसे लोग अरारोट डालते हैं और क्या क्या डालते हैं, और तकड़ा अजीनोमोटो और क्या क्या, हमारे इसमें कोई सेहत चीज नहीं। अच्छा, मैंने सुना आपके पास लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास बेचारे पैसे नहीं हो, किसी के पास बिल्कुल माल होता है बना हुआ फायदा। जो मुखैर हजरात हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे पास पैसे जमा करा के जाते हैं और एडवांस में जमा रहते हैं मेरे पास। तो जो भी लोग आता है अब वो कहता है कि यार मेरे पास तो 50 ही है, तो हम उसको खाली नहीं जाने देते। हम कहते हैं खाली रहे, वो कहते हैं मेरे पास 20 ही है, हम कहते हैं बेटा ये भी खा के जाओ। मतलब ये है कि ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। वो मुखैर हजरात हैं, वो अपनी आखिरत कमा रहा है। बिल्कुल। तो भाई लोगों से भी मैं कहूँगा कि अगर किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो इनको आप कॉल करके या मेरे थ्रू आप उनको बता दें कि ये किसी को खाना खिला दें, या कुछ भी हेल्प करना चाहें, इनकी हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें, और यहाँ आके इनका दाल चावल ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल ये रख लीजिए, ठीक है, ये खोल के देख लिया आपके लिए, ये ठीक है, ठीक है, बस दुआओं में याद रखिएगा। जरूरी नहीं है भी बनाए, वैसे भी आइए इंशाल्लाह। तो भाई हम लोगों को भी यही कहेंगे इनके दाल चावल जरूर ट्राई करें। तो कल मिलते हैं कराची में किसी और जगह पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।